गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज़ अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको हिमाचल की ट्रेन, और जो हमारे घर से ही होते हुए जाती है, तो वो आ रही है सामने से, तो आप देखिए। गाइज़ यहाँ से इसलिए धीरे चलती है क्योंकि सामने खतरा रहता है, और उस वजह से गाइज़ अभी टाइम हो रहे दिन के 4:15 और मैं निकल रहा हूँ प्रोग्राम के लिए, और माता की चौकी है धर्मशाला साइड योल में, तो चलो चलते हैं और करते हैं वहाँ पे माता की चौकी। तो साहिल जाएगा मेरे साथ, साहिल को बोला है मैंने, वो आ ही रहा है बस। तो गाइज़ फाइनली हम लोग एक बार फिर निकल चुके हैं बाइक में और जा रहे हैं धर्मशाला। साहिल जा रहा है मेरे साथ पीछे, और ये है परोर और ये हमारा जो बेचारा आंटी कैसा कैसा चलेगा, आप गिराओगे मुझे भी। ये है परोर, और परोर में काफी सारी यादें हैं हमारी। चलो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सामने आप देख सकते हैं काम इतना लगा हुआ है खतरनाक वाला, और वही कल वाली बात आ गई, रोड धड़न्ना वाली बात, छोटी घटा। ओ माय गॉड, काफी धूल धड़ाता है यहाँ पे। रोड धड़न्ना है लेकिन ये एक सुविधा होने वाली है, शुक्र है ये रोड बनना नहीं, सड़क शुक्र है ये रोड बनना शुरू हो गया है फाइनली। अरे भैया, 2-3 सालों के बाद। ओ रे मुकुट रंग काले हो मन मोलिया, कुंडला वाले हो श्यामा तो गाइस हम चामुंडा पहुंचने वाले हैं, और बस इतना कुछ चल रहा है। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं जो कि कम दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। हेलो हेलो हेलो, एक बार तो मैं रोना
हमारा प्रोग्राम अभी खत्म हो चुका है और माता की चौकी थी तो भगत लोग अभी घर के लिए जा रहे हैं और सामने अंधेरा हो चुका है बहुत ज्यादा। और ये हमारा नया फ्रेंड है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। घर पुजाते तौले तौले घर पुजियां रात बड़ी हो चुकी है ठंड बड़ी हो रही है ठंडे हो गए। तो गाइज माता रानी की जो चौकी थी वो ख़त्म हो चुकी है और हम लोग निकल आए थे वहाँ से। अभी टाइम 11 बज रहे हैं, रात अंधेरा काफ़ी हो चुका है और चांद तो आज रोशनी बहुत है तो बीच में ही रुके थे गाइज हम। आपको पता ही है हम क्यों रुके होंगे, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ और एंड कर दूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।